तो जो ये इलेक्ट्रिक का शॉन सीन दिख रहा है, अगर ये बटन यहाँ पर आएगी तो ये बाइक स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये लाइट जलती ही रहती है जब तक मीटर ऑन रहेगा। बाकी ये गजब का कावासाकी का लोगो इन्होंने यहाँ दे रखा है, जो सिर्फ अभी मोटो जीपी के बाद इन्होंने इसी बाइक में निकाला है, पुरानी वाली में नहीं था। इसका क्या इस्तेमाल है देखा होगा आप लोगों ने, हिलती भी है ये। क्या ये खराब है या नहीं खराब है या ठीक है? कि बाइक के राइट हैंडल में कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये आप देख सकते हो। इसके बाद नीचे कर देंगे। बाकी बाइक के राइट हैंडल में कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये आप देख सकते हो। इसके बाद नीचे कर देंगे तो जो ये इलेक्ट्रिक का शॉन सीन दिख रहा है, अगर ये बटन यहाँ पर आएगी तो ये बाइक स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट करने के लिए इसके नीचे एक बटन दिया गया है, दैट इज सेलेक्ट बटन, दिखा आप लोगों को ये है। बाकी ये अप लिखा हुआ, अगर आपको इसको घुमाना है ऊपर नीचे एडजस्ट करना है इसके लिए, ये चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा। इसमें बेसिकली शॉकर्स भी एडजस्ट हो जाते हैं, देख सकते हैं आप ध्यान से देखेंगे तो। इसको टाइट लेफ्ट या राइट करके हम इसको सेट कर सकते हैं प्री या लोड पे। सेम थिंग इधर है। तो ये बेसिकली ट्रैक के अकॉर्डिंग होते हैं, अगर आप ट्रैक पे बाइक चलाना चाह रहे हो तो इसे सेटिंग ऑन की जाती हैं, वैसे अभी हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी लेफ्ट साइड पे आते हैं तो आगे इन्होंने पास के लिए दिया गया है, यहीं से लाइट अगर आगे की ओर कर दो तो ये अप हो जाती है। बाकी इधर आते हैं तो ये इंडिकेटर दिया है यहाँ पर, ये हजार लाइट के लिए, देख सकते हैं आप हजार लाइट स्टार्ट हो गई। आगे से दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये लाइट जलती ही रहती है जब तक मीटर ऑन रहेगा। बाकी ये गजब का कावासाकी का लोगो इन्होंने यहाँ दे रखा है, जो सिर्फ अभी मोटो जीपी के बाद इन्होंने इसी बाइक में निकाला है, पुरानी वाली में नहीं था। तो बाकी ये रिसेट करने के लिए, ये रिसेट करने के लिए क्या है इसको मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने बाइक में फ्यूल लाया, ठीक है, और ये फ्यूल बता रहा है, तो ये अभी मान लो जैसे एक बार आपने फिल कराया टैंक, तो ये अगर जीरो पे होगा तो बता देगा, आपने मान लो 17 लीटर के टैंक की टैंक है तो 17 लीटर बता रहा है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ही इसमें आप वापस से फ्यूल कराएंगे तो ये 17 के बाद प्लस करेगा, ठीक है, तो ये उसके लिए है। बाकी नॉर्मल स्टेज में अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए, अगर मैं इसको दबाऊंगा अब दिख रहा है, तो स्क्रीन वाइट होती है, ऐसे ब्लैक होती है। तो मुझे ब्लैक पसंद है, बेसिकली ब्लैक में अगर हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो प्रॉपरली आती है, वाइट में मैं देखता हूँ ब्राइटनेस के कारण रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं आती जब आप बाइक को तेज चला रहे हो तब, अभी तो आ रही है। ये जो बीच में बटन दिया गया है, दिस इज़ फॉर द क्रूज कंट्रोल, देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये ऑन हो गया, दिस इज़ फॉर द क्रूज कंट्रोल। यहाँ से निगेटिव करूँगा तो स्पीड कम होगी क्रूज कंट्रोल में, अगर आप लोगों ने चलाया तो आप लोगों को पता होगा, जितना माइनस करता जाऊँगा उतनी स्पीड कम होती जाएगी, प्लस करता जाऊँगा स्पीड प्लस होती जाएगी, इसके लिए है। बाकी ये सेट करने के लिए, ऊपर कुछ भी टाइमिंग वाइमिंग वॉच की चेंज करनी हो तो यहाँ से वो भी हो जाती है, ये भी रिसेट करने के लिए। अब आते हैं मेन चीज़ मोड्स पे। हाँ, तो एक ये मोड्स के बाद ये एक बटन बीच में दिया गया है, मोड्स बताता हूँ मैं आपको। इस बटन को अगर आप प्रेस करते हैं ध्यान से देखेंगे तो जहाँ पर थ्रोटल लिख के आ रहा था, ये देखिए यहाँ पर ये ऐसा चेंज होगा, देखिएगा वापस से थ्रोटल देन ब्रेक। अब ये आपको ब्रेकिंग बता रहा है, बेसिकली आप कितनी ब्रेकिंग कर रहे हैं, देखिएगा। अब हम खड़ी बाइक में भी शो कर सकते हैं, देखिए जितनी ज़्यादा हार्ड प्रेस करेंगे उतनी ज़्यादा हार्ड वहाँ पर पहुँचेगी, सॉफ्ट प्रेस में सॉफ्ट सॉफ्ट शो हो रहा है। ये सिर्फ अगली ब्रेक को दिखाता है, पिछली को नहीं दिखाता। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं अभी पिछली ब्रेक दबा रहा हूँ और वहाँ पर नहीं शो कर रहा है, तो ये सिर्फ अगली ब्रेक को दिखाता है, पिछली ब्रेक को नहीं दिखाता बिल्कुल भी। बाकी तो इस तरह से हम ब्रेक या थ्रोटल को भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। हाँ, उसके बाद बात करते हैं मोड्स की। तो इसमें इन्होंने तीन मोड्स तो बाय डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं, बाकी चार मोड्स, चार या पांच राइड मोड्स भी मैं चेक करता हूँ, बताता हूँ। तो अगर हम इसको अप करेंगे तो ये रोड मोड से हो जाएगी स्पोर्ट मोड में, हो गई, और अब स्पोर्ट मोड के ऊपर इसमें कोई मोड नहीं है, तो मैं अगर बटन लगातार प्रेस करूँगा कुछ भी नहीं होगा। नीचे आता हूँ तो रोड मोड, और नीचे आता हूँ तो रेन मोड, तो रेन मोड में परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल फुल हो जाता है, कुछ ऐसा है रेन मोड। ये डंडी दी गई है, इसका क्या इस्तेमाल है
देखा होगा आप लोगों ने, हिलती भी है ये। क्या ये खराब है या नहीं खराब है या ठीक है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या देखता हूँ इसी वीडियो में टाइम मिलेगा तो बताऊंगा। आखिरी तक जुड़े रहिएगा। क्या इसका यूज़ है, किसी को पता हो तो कमेंट में बताइएगा। बिल्कुल हाँ, तो मैं बता रहा था अगर मैं इसको अभी और डाउन करता हूँ तो क्या होता है। राइडर वन, राइडर टू। अच्छा राइडर टू में आपने देखा, जो राइडर टू आया आ गया KTRC ऑफ, कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया है ऑफ राइडर टू मोड में। मतलब कि इस मोड में क्या होगा, बाइक व्हीली मारेगी, ठीक है। राइडर थ्री और राइडर फोर, फिर एक बार क्लिक करके देखते हैं। बस चार राइडर्स हैं इसमें, तो मैं ये बता रहा था कि ये तो इसके मोड्स थे। अच्छा ये राइडर वन, राइडर टू, राइडर थ्री एंड राइडर फोर, जो चारों मोड्स हैं इसके, मतलब बाय डिफॉल्ट मोड्स के सिवा, बाय डिफॉल्ट इसमें तीन मोड दिए गए हैं, स्पोर्ट और आपका रोड और आपका रेन। तो ये तीनों मोड्स जो हैं एक सेटल्ड हैं, मतलब इसमें कितना ट्रैक्शन कंट्रोल रहेगा, कितना पावर होगा, वो एक सेट है, ठीक है। मतलब वो उससे ऊपर परफॉर्मेंस में नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करते हो बाकी चारों मोड्स की, तो ये डिफॉल्ट मोड्स नहीं है, इनको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। कैसे सेट कर सकते हैं, मैं आपको एक राइडर फोर मोड का आपको एग्जांपल देता हूँ। ये राइडर फोर मोड है, मुझे इसे चेंज करना है, तो ये एक सेलेक्ट बटन है, मैं सेलेक्ट करूँगा। देखिए अब ये राइडर फोर आ गया, दिख रहा है आप लोगों को। अब राइडर फोर में मुझे, ठीक है, राइडर फोर मोड आ गया हमारा, ठीक है। अब मुझे राइडर फोर में चेंज करना है या राइडर थ्री में चेंज करना है, यहाँ से मैं मान लो मुझे राइडर फोर में चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे राइडर फोर पे आया। अब देखिए राइडर फोर में पावर दिखा रहा है, पावर इज फुल और KTRC इज टू, मतलब पावर तो फुल है लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल भी सेट है। अब मुझे मान लो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है, तो मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया। अब देखिए पावर शो कर रहा है फुल, ठीक है, और KTRC शो कर रहा है टू। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर की, पावर कितनी टाइप की हो सकती है इसमें, ठीक है। तो पावर पे क्लिक किया, देन हम वापस से आए, मीडियम लो, ठीक है। तो पावर में तीन मोड्स हमारे पास आ रहा है, मीडियम लो और फुल। तो अभी पावर फुल चल रही है हमारी। अब बात करते हैं हम KTRC में, तो KTRC में आते हैं, कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल KTRC का मतलब होता है, सेलेक्ट करते हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या है, कितने। तो ये शुरू होता है वन से, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, और ऑफ मतलब जीरो, ठीक है। अब जीरो का मतलब है ट्रैक्शन कंट्रोल पूरा ऑफ है और पावर है फुल, समझ रहे हैं आप लोग। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब गाड़ी अब कहर भर पाएगी, जितनी बार मैं गाड़ी को क्लच छोड़ूंगा और थ्रोटल लूंगा तो गाड़ी मारेगी वीलियां, ठीक है। रिस्की है हाँ, लेकिन जो अच्छे कंट्रोल जो कर सकते हैं उनके लिए दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप ये समझिए 1000 CC का इनलाइन फोर सिलेंडर इंजन है, इतनी तगड़ी पावर है इस सेगमेंट में, तो गाड़ी बहुत तगड़ी वीलियां मारती है। मतलब आप सोच नहीं सकते कितनी पावर जनरेट कर रही होती है बाइक। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इस वीडियो को हम यहीं पॉज करते हैं। अगली बार अगली वीडियो में इसके आगे की इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, बताते हैं क्या होता है इसका यूज़, या और भी इसमें क्या क्या फंक्शंस दिए गए हैं। जुड़े रहिए वीडियो के साथ, देते रहिए मुझे खूब सारा प्यार, और वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते रहिए मुझसे। बाय बाय।